तो नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा पे आपका स्वागत है। यूपीटी से रिलेटेड हम लोग मैथ में डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम, इससे रिलेटेड आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा समझ लीजिएगा एक बार, और ये भी बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन यूपीटी में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पढ़ेंगे हम आज लोग विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टू से विभाज्यता पढ़ेंगे। टू से विभाज्यता, देखो टू से विभाजित होने का नियम जो है वो ये है कि यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में, मतलब इकाई के अंक में, दो हो, चार हो, छह हो और आठ हो, तो वो नंबर टू से पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे हमने लिख दिया, कौन कौन नंबर बताया इकाई के अंक पे? जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो और आठ हो। ठीक है, या दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या? ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसके पता लगाने के लिए क्या काम करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? उनकी इकाई का अंक में देखेंगे कि जीरो है, दो है, चार है, छह है और आठ है, तो हम कहेंगे कि वो दो से पूरी तरह क्या हो जाएगी विभाजित। जैसे बहुत ही इजी है, जैसे मैंने लिख दिया 46। आप बताओ इसकी इकाई के अंक में कितना है? सिक्स है, मतलब छह से पूरी तरह, दो से पूरी तरह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2, 1, 5, 6, 4। ठीक है, 8, 5, 7। अब इतनी बड़ी हमने नंबर लिखा, हमने यहाँ लिख दिया 2। अब बताओ यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, तो बताओ ये क्या हो गया? दो से विभाजित हो गया। लेकिन अगर मान लो हम इसको इकाई का कितना रहता है? 7 से, क्या 2 से विभाजित होता? नहीं, 2 से विभाजित ना होता। तो जिन भी नंबर के यूनिट डिजिट में, मतलब इकाई के अंक में, इकाई का क्या होता है? यही होता है इकाई का सबसे किनारा। अगर राइट हैंड से देखा जाए, दाहिने हाथ से, तो जो पहला मिलता है उसी को बोलते हैं इकाई का। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वंस। ठीक है, वंस प्लेस वाला। तो यूनिट डिजिट या इकाई के अंक में जो भी नंबर हो, खासकर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से अगर कोई नंबर हो, तो देखते ही आप बता दीजिएगा कि ये नंबर 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, ये सबको आता है, कक्षा 2 की चीजें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो दूसरा है 3 से विभाजित होने के नियम। क्या है? 3 से, 3 से विभाजिता का नियम। देखो ये क्या है, पहले एक बार समझ लीजिए कि है क्या, बोल रहा हूँ सुनिएगा। यदि कोई भी नंबर दी हुई है, ठीक है, और हमें उसमें पता करना है कि वो नंबर 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम एक काम करेंगे, उसके जो भी नंबर दी हुई है सभी डिजिट को, ठीक है, सभी डिजिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, और ऐड करने पर जो भी नंबर हमको मिलता है, यदि वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो पूरा पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ऐसे जैसे हमने लिख दिया 5, 7, 6, 4, 2, ये हमने लिख दिया। अब हमें इसमें चेक करना है कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। क्या करेंगे? इसकी सभी अंकों को जोड़ेंगे। सभी अंकों को जोड़ने का मतलब 5 + 7 + 6 + 4 + 2। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 7 × 5 = 12, 6 = 18, 18 + 4 = 22, 24। अब आप लोग जानते हैं 3 के पहाड़ा में आता है 24। ठीक है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि 3 से विभाजित, मान लो ये भी पता ना हो कि ये जो आया वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप इसको एक बार और कर लीजिए, 2 + 4 बताइए कितना होगा? 6। ठीक है, आप बता दीजिए क्या 6 3 पहाड़े में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, मतलब अगर 6 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही बात? दूसरा अगर हम नंबर दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया 7, 4, 6, 2, ठीक है, 3, ये हमने दे दिया। अब पता करना है कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। क्या करेंगे? इसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो देखो 7 + 4 + 6 + 2 + 3, तो देखो 7 × 11 = 11, 6 × 6 = 17, 17 × 2 = 19, 19 × 3 = 22, 22 × 22 = 22, बताओ क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, उसके टेबल नहीं आता, तो हम कहेंगे कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ये है 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, और कैसे मतलब आप तुरंत तुरंत कर पाएंगे कि 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, थोड़ा समझिएगा आप। जल्दी से पूरा जोड़ने के बजाय आप उसको एलिमिनेट करिए। जैसे हमने लिख दिया 7 8 9 4 2
ठीक है, 6 हमने ये नंबर दे दिया। अब इसमें चेक करना है कि फिर से वैध होगा या नहीं होगा, तो आप एक काम करिए, देखिए देखिए मैं एक अलग चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा, आपको तुरंत चेक कर पाएंगे फिर से वैध होगा नहीं। बताओ 6 फिर से वैध होता है, बिल्कुल, जिसको हमने इलिमिनेट कर दिया, इसको अलग कर दिया, हटा दिया इसको। आप बताइए, दो तो नहीं होता, लेकिन 2 और 4 ऐड करो 6 होता है ना, तो इसको भी हमने कह दिया बाहर, ये भी खत्म। आप बताइए कितना बचा, देखो 9 होता है 3 से, बिल्कुल ये भी हट गया, और 8-7 के जोड़ेंगे तो भी होता है, भले 8 नहीं होता अकेले, लेकिन 2 जोड़ेंगे होता है ना, तो मतलब ये भी एलिमेंट, क्लियर। तो मतलब पूरा नहीं ऐड कर, जल्दी जल्दी से हम देखते चले जाते, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, 2 जोड़ा बना ले, मान लीजिए 1 नहीं हो रहा तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं, कि 2 जो है आपस में ऐड होकर बन रहे हैं, नहीं बन रहे 3, या 2 का नहीं बन रहा 3 से 3 का जोड़ा बना लिए और उनको ऐड किए, तो इससे जो है तुरंत पता कर लेते हैं कि 3 से वैध हो गए। जैसे हमने एक और दे दिए, हमने दे दिया 1 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, और 2 दे दिया। अब बताइए इसमें अगर 3 से वैध है, देखना क्या करेंगे, इनको देखो दोनों का ऐड करेंगे, बोलो 4 × 6 मतलब ये तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, है ना, 3 से भी हो जाएगा, 3 अपने आप से, लेकिन 1 होगा क्या, नहीं होगा, तो हम बता देंगे, सिंपल सी बात है कि 3 से विभाजित नहीं होगा। ये भी तरीका है, बाकी आप ये तो जानते हैं कि सभी डिजिट को ऐड करते हैं, ऐड करने पर जो आता है, यदि वो 3 से विभाजित हो तो पूरा पूरा नंबर भी 3 से विभाजित हो जाती, क्लियर, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, बोलते जाना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, विभाजिता के नियम से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एक क्वेश्चन आपको यूपीटेट में जरूर मिलेगा, जब पेपर देने जाइएगा एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको हल्के में लीजिए, ठीक है। मैथ में जिन लोगों के कमजोर है उन लोगों के एक एक नंबर भी जो है मायने रखेगा, ठीक है, इसलिए मैथ पर ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। और बोल रहा देखो, हमने जो है आप लोगों को गुणनखंड भी बताया, ठीक है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, इससे रिलेटेड हमने नंबर सिस्टम का पहला वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दोबारा हम विभाजिता के नियम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन उन चीजों को पढ़ेंगे जो यूपी टेट में रियल में आता है, ठीक है, इससे आप एक एक नंबर गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मान ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मैथ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन मैथ क्या होती है, आप रट के नहीं पास कर सकते, ठीक है, इसलिए जरूरी है कि चीजों को हम लोग पढ़ सके। अब इतना समय भी नहीं है, तो जो भी समय है हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट जो आए एग्जाम में उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 4 से विभाजिता का नियम। अब देख लीजिए, एक चीज बताता हूं मैं, 4 से विभाजिता का नियम थोड़ा समझ लीजिएगा ताकि ये न रहे। देखो एक चीज तो बता दे रहे हैं, जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा, मैं जो बता रहा हूं, जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा वो 100% 4 से विभाजित नहीं होगा, ये श्योर है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो 4 से विभाजित होगा वो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से विभाजित का नियम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभी कोई नंबर होता है और हमें 4 से डिवाइड करना होता है, जैसे अभी आगे हम लोग जो है यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है, रिमाइंडर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिवाइड करेंगे, तो 4 से विभाजित तक अगर हमको विभाजिता पता रहती है तो हम देखते हैं कि किसी भी नंबर के अगर हम लास्ट 2 डिजिट को ऐड कर देते हैं, और लास्ट 2 डिजिट ऐड नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट बनी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर वो जो है 4 से डिवाइड हो गई तो समझ लो पूरी पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाती है। सुनना ध्यान से, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनना कैसे, यदि 4 से विभाजित का नियम हमको जानना है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमको दी हुई है, जो भी नंबर हमको दी हुई है उसके लास्ट 2 डिजिट, मतलब अगर मैं कहूँ तो राइट हैंड साइड से 2 अंकों से बनी संख्या को हम 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है। अगर वो 4 से विभाजित हो जा रही है तो समझ लीजिए पूरी पूरी नंबर भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया, देखो जैसे हमने बोल दिया 7568, ये हमने नंबर बोल दिया, ठीक है, 7568। अब मुझे बताओ ये 2 लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट अंतिम से या कहें दाएं हाथ से 2 अंक यही है, ये क्या नंबर बन रहा है बताइए, 68। अब 68 में चेक करना है कि 4 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप जान रहे 4 × 1 = 4, 2 बचा 4 × 7 = 28, मतलब 68 जो है 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अगर 68 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे हमने
मान लीजिए इसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं आपको, चार एक करना चार, ठीक है, कितना बचा तीन, अब क्या उतारेंगे पांच, ठीक है, चार अच्छे बत्तीस, कितना बचा तीन, उतारेंगे चार नहीं छत्तीस, ये डिवाइड हो गया, अब क्या उतारेंगे आठ, चार गुना आठ, ठीक है, देख लो पूरा डिवाइड हो गया नहीं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, देखना तो समझ में आया, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं फोर का, देखिए जैसे हमने दे दिया 7 8 5 4 6 2 8, ठीक है, हमने ये नंबर दे दिया। अब मुझे बताइए इतना बड़ा नंबर है, अगर हम चार से डिवाइड करने के लगेंगे बताओ कितना समय लगेगा, बहुत लगेगा ना, तो हम क्या करेंगे लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट कौन सी बताओ क्या बन रही संख्या, नंबर 28 बन रही ना, बताओ 28 चार पहाड़े में आता है नहीं, या आपको नहीं भी आता तो भाग करके देख लीजिए, छोटा दो डिजिट का ना आसानी कर पाएंगे, ठीक है, तो 28 अगर चार के जो है आठ चार के पहाड़े में आ जाती है, मतलब 28 पूरा अगर चार डिवाइड हो रहा है पूरी पूरी संख्या भी चार से पूरी तरह क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, समझ में आया। एक चीज और जान लीजिए कि चार से द्वारा तक नियम में, वो ये है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में या कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड से जो सबसे लास्ट में है उसमें यदि कम से कम दो जीरो मिल जाए, ठीक है, कम से कम कितने जीरो, दो जीरो, दो से ज्यादा जीरो हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन अगर कम से कम दो जीरो रहे तो समझ लीजिएगा वो नंबर 100% फोर से डिवाइड हो जाएगी। अगर कम रहेगा मतलब मैं अगर ये कह दूं कि जैसे हमने केवल अगर हमने 20 दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, अब बताइए ये मत कह दीजिएगा कि ये जो है चार से बैठ नहीं हो क्योंकि एक है जीरो नहीं, तब हम चेक करेंगे 20 बताओ चार पहाड़ी में आता नहीं आता, आता है, मतलब अगर 20 डिवाइड हो रहा तो पूरी पूरी संख्या भी चार से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया, हमने ये बोल दिया कि ये 28 हमने लिखा और 28 की बजाय 27 लिख देता हूं मैं, ठीक है, और डबल जीरो हमने कर दिया, ठीक है, तो इसमें देखते ही तुरंत बता दीजिए चार से बैठ हो जाएगी, ठीक है, तीन जीरो कर दिए चार जीरो कर दिए तो अलग चीज है भाई, तब तो 100% हो ही रही है, हमें कम से कम कितने चाहिए, तो दो से ज्यादा मिल जाए तो अलग चीज, तो चार से बहे तक नियम समझ में आया। चार से बहे तक नियम सिंपल से इतना है कि यदि कोई भी नंबर भी हुई है और हमें चेक करना है कि चार से बहे होगी या नहीं होगी तो क्या करेंगे, लास्ट के टू डिजिट बनी नंबर को हम चार से विभाजित करेंगे, यदि वो चार से विभाजित हो जाती है तो पूरी पूरी संख्या भी चार से विभाजित हो जाएगी वरना नहीं होगी। जैसे हमने बता दिया 6 5 4 3 3 हमने दे दिया, अब बताओ 33 है, 33 बताओ 3 से डिवाइड होती है क्या, ठीक है, वो 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, मतलब पूरी संख्या भी चार से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट, ठीक है। और मैंने एक चीज पहले बता दिया कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो 100% 4 से भी डिवाइड नहीं होगी, ये जान लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 से विभाजित के नियम में, बहुत इजी है, पहले कितने भी जब सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं तो फिर एक एक चीज खत्म करते जाए, हाँ, ताकि ये ना रहे कि 5 से कुछ छोड़ दिए, फिर भी जान लीजिए 5 से विभाजित के नियम सबको जानता है कि यदि किसी भी नंबर के मतलब किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में मतलब इकाई के अंक में या तो जीरो हो या तो पांच हो तभी वो 5 डिवाइड होगा वरना 5 डिवाइड नहीं होगा। जैसे 5 7 6 4 0 हमने कर दिया, अब बताओ इकाई का अंक में कितना, इकाई का अंक कौन सा, ये है ना, इकाई का अंक में कितना, जीरो है, अगर जीरो है तो 100% ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि हमने दे दिया 7 5 6 4 5 बताओ यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तब भी 5 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी संख्या मिलती है आपको तो फिर वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करने ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना जानिएगा यदि किसी भी नंबर के इकाई के अंक में जीरो हो या तो 5 हो तो 100% वो 5 डिवाइड हो जाएगा वरना नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 6 से विभाजिता के नियम में, किसमें आते हैं, 6 से विभाजिता के नियम में, देखो आप लोगों ने 2 से विभाजिता के नियम सीख लिया, 2 से विभाजिता के नियम ने क्या बताया कि यदि कोई भी नंबर दी हुई है उसकी इकाई के अंक में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, बस इतने देखना इकाई के अंक में, ठीक है, अगर ये संख्या मिल जाती है तो वो 2 से पूरी तरह क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। मान लो ये संख्या नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 2 से विभाजित आप जानते हैं। 3 से विभाजित भी हमने सिखा दिया, क्या बताया, यदि कोई भी संख्या दी हुई है उसके सभी उस संख्या के सभी डिजिट को सभी मतलब अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर जो संख्या हमको मिलती है यदि वो 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 6 से विभाजिता बस उसी से रिलेटेड है, कैसे, आप लोग जानते भी हैं कि जैसे 6 एक्चुअली में होता क्या है, 2 गुणे
तीन, क्या होता है दो गुणे तीन। मतलब सुन लीजिएगा, यदि कोई नंबर दो से भी विभाजित हो रही हो और तीन से विभाजित हो रही हो तो छह से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि जो नंबर दो से विभाजित हो जाए वो भी छह से विभाजित हो, नहीं वो जरूरी नहीं है। जो नंबर दो से विभाजित हो और तीन से विभाजित हो तब वो जो है छह से भी विभाजित हो सकती है, वरना छह से विभाजित नहीं हो सकती। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया 7, 5, 6, 2, 4 ये हमने नंबर ले लिया। अब इसमें चेक करना है छह से विभाजित हो गया नहीं, तो हमें छह से विभाजित तो नहीं चेक करना, हमें क्या क्या चेक करना है दो और तीन। तो मैंने बताया, बताओ इकाई के अंक में कितना है, चार है। अगर इकाई के अंक में चार है तो मतलब दो से विभाजित होगा, बिल्कुल। और तीन से विभाजित करने क्या चेक करने के, सभी अंकों को जोड़ने बोला और हमने इसका तरीका बताया आपको, चार और दो छह अलग कर दिया आपने, तीन से विभाजित हो जाएगा, छह तीन से विभाजित हो जाएगा अलग कर दिए, सात देखो पांच नहीं होता, पांच और सात ऐड करने मतलब कितना होगा बारह, मतलब ये भी तीन से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या तीन से विभाजित हो रही है और दो से भी विभाजित हो रही है, तो ये छह से भी विभाजित हो जाएगी। अब चेक करके दिखा देते हैं आपको एक बार। ठीक है, 7, 5, 6, 2, 4 ठीक है। तो देखो, देखना 6 मतलब 6 करना 6, बताओ कितना है एक। लैंग्वेज के लोग लेकर कोई इश्यू मत बताना, कभी मैं इंग्लिश बोल देता हूँ कभी हिंदी बोल देता हूँ, अलग चीज होती है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं दोनों चीज ध्यान रखना हूँ क्योंकि फ्लो में दोनों चीज निकलता है। ठीक है, हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई इंग्लिश में और आपकी सीटेट में ये चीज बोलता है कि समावेशी का अच्छा होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज को इश्यू नंबर आइएगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो छह करना छह, अब बता रहे हैं कितना पांच। अब बताओ छह दूना बारह का, छह की चीजें बता रहा हूँ, पांच में से दो माइनस करके बताओ कितना आएगा तीन। अब क्या बता रहे हैं बताओ, छह छह चंग 36। ठीक है, अब क्या होता है दो जीरो ले जाएंगे, उसको कितना डालेंगे बताओ चार, तो छह 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 चौको बताओ 6, 4, 24 क्लियर। देख लो छह से विभाजित हो रहा है, हमने क्या बताया छह से विभाजित नियम में, यदि कोई भी नंबर दो से भी विभाजित हो रही है और साथ ही साथ तीन से विभाजित हो रही है तो वो नंबर छह से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर, ठीक, चलते हैं सात में। देखो एक्चुअली में सात में तरीका तो है, सिखा भी देंगे आपको, लेकिन मैं इसमें यही प्रेफर करूंगा, आप एक बार जान लीजिएगा फिर बताऊंगा मैं किसमें एक्चुअली मैं आपको करना क्या। देखिए सात से विभाजित तक नियम क्या है, ओरली सुनिएगा, कोई भी नंबर दी हुई है और उसमें आपको चेक करना है कि सात से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, तो क्या करेंगे यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, यूनिट इकाई को क्या करेंगे डबल करेंगे, मैं दुगना करेंगे, फिर उसको बची हुई संख्या से माइनस करेंगे, माइनस करने पर तो जीरो आ जाए या सेवन का मल्टीपल आ जाए, सेवन का मल्टीपल का मतलब सेवन का गुणा जा जाए, मतलब सेवन के सात के पहाड़े में आ रहा हो या कहें कि सात से विभाजित हो रहा हो, मल्टीपल का मतलब यह होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वह संख्या सात से पूरी तरह क्या हो जाएंगी विभाजित हो जाएंगी। क्लियर, अब मैंने क्या बोला उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ले ली, ठीक है, अब इसमें चेक करना है सात से विभाजित हो नहीं, तो हमने क्या कहा कि जो भी इकाई का अंक हो, इकाई का अंक कितना है एक है, इसका दुगुना करेंगे, तो एक का दुगुना करो बताओ कितना होगा दो, बची हुई संख्या मान कितनी बताओ 230, इस 230 में से इस दो को माइनस करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 228। ठीक है, कितना आया 228। अब इसको चेक करना है कि सात से विभाजित होने माल बड़ा है, आपको पता नहीं चल रहा, फिर एक बार कर लीजिए। देखो 228 में आप कैसे करेंगे, फिर इकाई का कितना है आठ है, आठ का बताओ डबल करोगे बताओ कितना होगा 16, कितना होगा 16, 16 को 22, 22 से 16 को माइनस करो बताओ कितना आएगा 16 4 2 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
मल्टीपल है, ना तो सात मल्टीपल है और ना ही जीरो है, मतलब ये सात से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात। दूसरा तरीका देखो, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही देखो। जैसे मैं ले लिया 343, ये ले लिया, अब देखिएगा इकाई का अंक कितना है, तीन है, तीन का क्या करेंगे हम लोग, दुगुना, तीन दुना छह,
ठीक है, कितना है 6। 6 को क्या करोगे 34 से माइनस करो, बची हुई संख्या कितनी 34 है, 34 से माइनस करो 6 को, बताओ कितना आएगा 28। अब बताओ 28 सात के बारे में आते नहीं आती, तो अगर 28 सात से विभाजित हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी सात से विभाजित हो जाएगी। इसीलिए हमने बोला था कि यदि किसी भी संख्या का सात से विभाजिता हमको चेक करना है तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी हुई है उसके यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक को दुगना करेंगे, बची हुई संख्या से माइनस करेंगे, और माइनस करने पर यदि जीरो आ जाए या सात का गुणा जाए मतलब मल्टीपल आ जाए तो हम कहेंगे सात से विभाजित हो रहा है वरना सात से विभाजित नहीं हो। क्लियर? देखो ये तो तरीका है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि सात से जब विभाजिता चेक करना हो तो चुपचाप आप भाग दे लीजिएगा, सबसे आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि शायद आई ना रहा हो तो क्या बताएंगे, है ना, यही बात हो जाती है, इसलिए हमने बता दिया। बाकी मैं फिर भी बता रहा हूँ कभी भी आ जाए, ठीक है, सात से विभाजिता आपको चेक करनी हो तो चुपचाप आप क्या कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा। क्लियर? अब आते हैं आठ से विभाजिता के नियम में, किस पे आते हैं, आठ से विभाजिता के नियम। देखो आठ से विभाजिता के नियम क्या है, जैसे हमने चार में बताया था ना कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को चार से विभाजित करेंगे, तो आठ से में क्या करेंगे, अंतिम तीन अंकों से बनी मतलब इकाई के अंक तरफ से मतलब राइट हैंड साइड से दाहिने साइड से तीन अंकों से बनी संख्या अगर पांच आठ से विभाजित हो रही है तो कहेंगे आठ से विभाजित हो जाएगी वरना पूरी संख्या भी आठ से विभाजित नहीं। जैसे समझ लेना, कहीं पूछता नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा, पूछ सकता है किसी चीज का कोई, क्योंकि तीन है सात है नौ है और ग्यारह है, इससे पूछ पूछ के लग चुका है, ठीक, बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गए हैं, सब लोग जानते हैं तीन से विभाजिता, लेकिन आप देख लीजिएगा ट्रेंड यही दे रहा है चार और आठ का, काफी ज्यादा मात्रा में पूछ रहा है अब, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने दे दिया 7 5 6 4, ठीक है 8, ये हमने नंबर दे दिया। अब इसमें चेक करना है कि ये संख्या आठ से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे, लास्ट तीन डिजिट से बनी संख्या कौन सी है 648। अब 648 को आप चेक कर लीजिए कि आठ से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो 8 5 64, 8 8 8 का ना 8 मतलब कि पूरा उत्तर डिवाइड हो रहा, मतलब अगर लास्ट तीन डिजिट से बनी संख्या अगर आठ से विभाजित हो रही है तो कह देंगे पूरी पूरी संख्या भी आठ से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? जैसे हमने दूसरी नंबर ले लिया 5 8 6 5 1 2, यह हमने नंबर ले लिया। अब इसमें चेक करना है कि आठ से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, लास्ट तीन डिजिट पर संख्या कौन सी 512 512, चेक कर लो आठ से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर आपको पता हो और क्यूब वूब याद है, दस तक भी क्यूब याद है तो आपको पता है कि आठ के क्यूब में कितना आता है 512, ठीक है, वैसे चेक करके देख लो, ठीक है, 8 6 48, बताओ कितना आया 3 आया, 8 6 32, देखो डिवाइड होगा ना पूरा पूरा, बाकी क्यूब हमने याद करने बोला है आप याद कर लीजिएगा ना, ज्यादा तो 11 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, 30 तक स्क्वायर ये जबान पे रटे रहने चाहिए, ठीक है। तो आठ से विभाजित के नियम में हमने क्या बताया कि लास्ट तीन डिजिट से बनी संख्या को आठ से विभाजित करेंगे, यदि ये आठ से विभाजित हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी आठ से विभाजित होगी वरना नहीं होगी। और हाँ चार की तरह इसमें भी है, नोट करके लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो, कि यदि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में इकाई की तरफ कम से कम अगर 3 0 मिल जाए, कम से कम 3 0, ज्यादा मिल जाए और अच्छा है, लेकिन कम से कम अगर 3 0 मिल जाए तो आप चेक भी ना कीजिएगा, बता दीजिएगा कि आठ से विभाजित हो रही है, और यदि 3 से कम 0 मिल रहे हैं तो आप चेक करके देख लीजिएगा कि आठ से विभाजित हो रही है नहीं हो रही। ये ना कह दीजिएगा कि अगर 3 से कम 0 मिल रहे तो आठ से विभाजित नहीं होगी, नहीं, तब चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा 0 मिलते हैं तो आप बिना देख के ही तुरंत बोल दीजिएगा कि आठ से विभाजित हो रही है। क्लियर? ये हो गया। अब आते हैं लोग 9 से विभाजित करने, यूपी टेट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो परीक्षक समझ गिरा रहा है कि हाँ सही बोल रहे थे, ठीक है। अभी क्या है ना, नए नए यूट्यूब में है, ठीक है, तो इसे लग रहा होगा कि इसमें व्यूज ज्यादा नहीं है, कुछ भी है, तो ये इस चक्कर में मत रहिएगा, जो चीज बता रहे हैं जिस समय आप एग्जाम दे के आएंगे ना उस समय समझ में आएगा आपको कि क्या हाँ रियल है या नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें बता रहे हो एकदम फैक्ट है, वही आएंगे एग्जाम, मतलब उससे रिलेटेड ही आएंगे। अब ये भी नहीं कि मैं 30 क्वेश्चन है तो मैं 30 30 कर दूंगा, यही आएंगे, अगर हाँ पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया होता तो हम गारंटी के साथ कह देते कि अब इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। जो हमसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में वो जानते हैं कि उनके नोट से ही बाहर क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज उसी तरह आ भी जाते हैं, जैसे जो डिजिट मतलब समझ लो ऐसा है, ठीक है,
अगर मान लीजिए लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है शुरुआत में, ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, तो ऐसा धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा हंसी वसी मत उड़ाइएगा। ठीक, अब चलते हैं नव से विभाजिता के नियम पढ़ लेते हैं। देखिए नव से विभाजिता के नियम क्या है। नव से विभाजिता के नियम यही है कि जैसे थ्री वाले में होता है, लेकिन ये मत कह दीजिएगा कि जो तीन से विभाजित हो जाएगा वो नौ से विभाजित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि जो नौ से विभाजित हो जाएगा वो 100% तीन से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन जो तीन से विभाजित हो जाए वो नौ से विभाजित हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन तरीका वही है, क्या कि यदि कोई भी संख्या दी हुई है और उसमें चेक करना है कि नौ से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, उसके सभी डिजिट को ऐड करेंगे, उसके सभी डिजिट सभी अंकों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो भी संख्या हमको मिल रही है यदि वो नौ से विभाजित हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी नौ से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 7, 5, 6, 4, ठीक है 5, ये नंबर ले लिया। अब देखिएगा 3 ले लेते हैं, अब ऐड कर लीजिए तो 7 + 5 + 4, 6 + 4 + 5 + 3 जोड़िए 7, 5, 12, 6, 18, 4, 22, 5, 27, 27, 30, 27, 3, बताओ 30 क्या 9 के पास टेबल में आता है, नहीं आता। अगर 3 से विभाजित देखता तो 100% 3 से विभाजित हो जाता, लेकिन क्या 9 से विभाजित हो रहा, नहीं नहीं हो रहा ना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हम लोग, मतलब 3 से विभाजित नहीं हो, दूसरा हमने एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 6, 4, 8, ठीक है 0, यह नंबर ले लिया। अब इसमें हमें चेक करना है क्या से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, 9 से विभाजित हो रहा है नहीं। ठीक है, क्या करेंगे 6 + 4 + 8 + 0, ठीक है जोड़ो 6 + 4 = 10, 8, 18, 18 नौ से विभाजित हो रहा है नहीं। अगर 18 नौ से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी नौ से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, इसमें ज्यादा समय नहीं लेते, बस इतना सा है, आप जान लीजिएगा। बिल्कुल थ्री की तरह ही करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है अगर वो नौ से विभाजित हो रहा है तो पूरी पूरी संख्या भी नौ से विभाजित हो जाएगी, और यदि कोई संख्या नौ से विभाजित हो रही है तो 3 से 100% विभाजित हो जाएगी, लेकिन कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो जरूरी नहीं कि नौ से विभाजित हो जाए। जैसे हमने ले ली 12, अब बताओ 12 3 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन क्या 9 से विभाजित हो रही है, नहीं। जैसे 15 हमने ले लिया, बहुत ईजी है, 15 3 से विभाजित हो रही है ना, लेकिन क्या 9 से विभाजित हो रही है, नहीं। तो लेकिन 9 से जो विभाजित हो, जैसे 18 ले लिया, जैसे 27 ले लिया, ठीक है ये 9 से विभाजित हो रहा है तो 100% 3 से विभाजित होंगे। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं 9 बना किससे है, 3 × 3, क्लियर है। तो जो 9 से विभाजित होगा वो 100% है कि आपका 3 से विभाजित होगा, लेकिन जो 3 से विभाजित होगा 100% जरूरी नहीं तो 9 से विभाजित हो ही हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखिए 10 से विभाजित सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए 10 वाला भी देख लेते हैं, बाकी कुछ है नहीं। देखिए देखो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में केवल 0 मिल जाए, कितना 0, 0 के अलावा अगर कोई भी संख्या मिलती है इकाई के अंक में तो वो 10 विभाजित नहीं होगा, लेकिन अगर 0 है तो 10 विभाजित होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग जानते भी हैं, जैसे हमने ले लिया 7, 5, 6, 0, ये 10 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 5, 7, 5 हमने दे दिया 10 विभाजित नहीं होगा, 7, 5, 4, 2 हमने दे दिया 10 विभाजित नहीं होगा, 6, 4, 7, 5, 0, 0 जितना भी आप लेना चाहो दीजिए है, 10 विभाजित होने का एक ही नियम है। नियम क्या है, आप जानते भी हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में अगर 0 है तो 10 विभाजित होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर हो गया बात। अब आते हैं लोग 11 विभाजित, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है, और पूछता भी है काफी हद तक पूछता है, क्योंकि जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना तो 11 विभाजित नियम आज थक गए होंगे, तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पानी पी लीजिए, इसको भी खत्म कर लेते हैं, जिनको नहीं आ रहा, जिनको आ रहा हो तो रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए 11 से विभाजित नियम क्या है, एक उरली बात सुनिएगा, कितना समझ पाते हैं मेरी बातों को, वो चीज को समझिए। देखिए यदि कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, और उसे हमें चेक करना है कि 11 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, उसके सम प्लेस वाले नंबर को, और मतलब अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, सम प्लेस वाले नंबर को और विषम प्लेस वाले नंबर को अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद जो नंबर मिल रहे हैं आप दोनों में उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए तो हम कहेंगे कि 11 से विभाजित हो जाएगा। इंग्लिश में बोलूं तो सुनिएगा, देखो इवन नंबर वाले इवन प्लेस वाले नंबर को ऐड करेंगे, इवन प्लेस वाले नंबर वाले को अलग ऐड करेंगे,
और आठ प्लेस वाले नंबर को अलग ऐड करेंगे और दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो नंबर मिल रहा है यदि वो 11 से डिवाइड हो रहा, मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस करने पर या तो जीरो आ जाए या तो 11 गुणा हो जाए, समझ लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर ओरली समझ नहीं आया होगा तो देखिएगा, जैसे मैंने दिया 5, 4 ठीक है, 6, 7 ठीक है, 11 नंबर मान लो ले लिया, ठीक है यही नंबर ले लिए, ठीक है। और उसको चेक करना है कि 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे देखो, मैंने ये नहीं बोला, ध्यान दीजिए कि मैंने ये नहीं बोला कि सम नंबर वालों, ना मैंने बोला सम स्थान वाले नंबर को और विषम स्थान वाले, कोई भी मान लीजिए नंबर क्या है सम विषम, इससे लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है इसको कोई भी आप डिजिट मान लो, सम डिजिट मानते हो विषम डिजिट मानते हो जो आपकी इच्छा का है। मान लीजिए आप इसको सम सम प्लेस वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं सम प्लेस, अगर ये सम प्लेस है तो बताओ ये क्या हो जाएगा विषम स्थान, ठीक है ये क्या हो जाएगा फिर सम स्थान, फिर क्या हो जाएगा विषम स्थान, मतलब ये अगर आपने इवन डिजिट माना तो क्या हो जाएगा ऑड, मतलब इवन प्लेस माना तो क्या हो जाएगा ऑड प्लेस, फिर ये इवन प्लेस, फिर क्या ऑड प्लेस, ठीक है मतलब एक छोड़ एक को अलग अलग, मैं अब देखो इनको मतलब जो इवन प्लेस वाले उनको अलग, किसी को मान लीजिए आप इसको ऑड मान सकते हैं और इसको इवन मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे, लेकिन बस अल्टरनेट कीजिएगा, कहने का मतलब मेरा ये, ठीक है। तो देखो 5 + 6, 5 और 6 को हमने अलग ऐड कर दिया कितना आएगा 11, और 7 और 4 को हमने अलग ऐड किया 7 और 4 को अलग ऐड किया कितना है 11। अब इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं 11 - 11 बताइए कितना आ गया 0। तो मैंने क्या बताया था कि अगर माइनस करने पर 0 आ जाए या 11 का गुणा, मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से विभाजित, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है देखो, ये हमने नंबर ले लिया मान लो, ठीक है अब ये नंबर ले लिया देखो इधर, तो इसको कौन सा स्थान मानते हो, चाहे सम वाले स्थान मान लो चाहे विषम मान लो, तो मान लो सम मानते हो तो अगर विषम वाले स्थान होगा तो क्या होगा विषम स्थान, फिर सम फिर विषम फिर सम फिर विषम फिर सम, ठीक है सम वाले अलग ऐड कर लो, सम वाले अलग कर कितना ऐड कर लो 4 + 2 + 5 + 2 ठीक है, अब विषम वाले अलग करो, विषम कौन से 6 + 5 + 2 ठीक है, अब देखो सबको ऐड कर लो 4 + 6 = 6, 5 = 11, 11 = 13 इसमें ऐड करो 6 + 5 = 11, 11 = 13 अब 13 में से 13 माइनस करोगे बताओ कितना आएगा 0, मतलब ये 11 से विभाजित, ये नंबर भी 11 से विभाजित हो जाएगा, क्लियर। तो 11 से विभाजित तक एक ही नियम है कि देखो कोई भी यदि संख्या दी हुई है तो उसके सम प्लेस वाले नंबर को, मतलब सम स्थान वाले नंबर को अलग जोड़ेंगे और विषम स्थान वाले नंबर को अलग जोड़ेंगे और दोनों का माइनस करने करेंगे। माइनस करने पे या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणा आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए, तुम कहेंगे कि 11 से विभाजित हो जाएगा वरना नहीं होगा, ठीक है क्लियर क्लियर हो गया ना। तो सारी के सारी हमने डिफिकल्टी आपको सिखा दिया, ठीक है फिर एक बार हम बोल रहे हैं पूरा पूरा सुनिएगा एक बार में। सबसे पहले हमने 2 से विभाजित होने का नियम बताया, उसमें बताया कि किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दूसरा हमने आया 3 से विभाजित होने के नियम में, तो 3 से विभाजित होने के नियम हमने क्या बताया कि यदि किसी भी नंबर में कोई भी संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर जो संख्या मिलती है यदि वो जो है 3 से विभाजित हो रही है तो हम कहेंगे कि पूरी पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर हमने आया 4 से विभाजित होने वाले नियम में, तो 4 से विभाजित होने वाले नियम में हमने यही बताया कि यदि कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई के अंक की तरफ से 2 अंकों से बड़ी संख्या यदि 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा चीज हमने अभी बताया कि यदि कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई के अंक की तरफ कम से कम 2 जीरो मिल जाए, लास्ट में कम से कम 2 जीरो मिल जाए, ज्यादा मिल जाए अलग बात है वो और अच्छा है, लेकिन हमें कितने चाहिए दो, कम से कम अगर 2 जीरो मिल जाते तब भी देखते ही बता देंगे 4 से विभाजित हो जाएंगे। 5 विभाजित होने के नियम हमने केवल यही बताया कि इकाई के अंक में 0 यदि 5 हो, 0 हो या 5 हो तो जो है 5 विभाजित होगी, 0 या 5 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या होगी 5 विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के नियम में हमने बताया कि यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही हो और 3 से भी विभाजित हो रही हो तभी वो 6 से विभाजित होगी, ठीक है
वरना छह से विभाजित नहीं होगी। फिर हमने बताया सात से विभाजित होने में यदि हमें ये चेक करना हो किसी कोई संख्या को कि ये सात से विभाजित हो रही है या नहीं, तो क्या करेंगे, इकाई के अंकों को दुगना करेंगे, बची हुई संख्या से माइनस करेंगे, और माइनस करने पर जो हमें संख्या मिल रही है, ठीक है, यदि वो जीरो हो या सात का गुणज हो, सात का मल्टीपल हो या सात के पहाड़े में आती हो, तुम कहेंगे सात से विभाजित हो रहा है वरना नहीं हो रहा है। आठ से विभाजित होने के लिए मैंने बताया कि यदि कोई संख्या में दी हुई है तो उसके यूनिट डिजिट की तरफ मतलब इकाई के अंक तरफ से कम से मतलब तीन अंकों से बनी संख्या यदि आठ से विभाजित हो रही हो तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या भी आठ से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमने ये भी बताया था कि यदि किसी भी संख्या में इकाई के अंक तरफ से मतलब लास्ट में कम से कम तीन जीरो मिल जाए तब भी हम बोल देंगे कि पूरी तरह आठ से विभाजित हो जाएगी। नौ से विभाजित होने के नियम में बिल्कुल तीन की तरह चलता है, और इसमें हमने यही बताया था कि यदि किसी भी संख्या दी हुई है और उसको हम चेक करना है कि नौ से विभाजित हो रही है नहीं, तो उसके सभी डिजिट को सभी अंकों को ऐड जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो संख्या मिल रही है यदि वो नौ से विभाजित हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी नौ से विभाजित हो जाएगी। दस से विभाजित होने के नियम में सिर्फ एक नियम कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में जीरो हो तो दस विभाजित होगी वरना नहीं। और ग्यारह से विभाजित होने के नियम में हमने ये बताया, देखो सम नंबर है विषम नंबर मत बोलना, सम स्थान वाले नंबर को अलग जोड़ेंगे और विषम स्थान वाले नंबर को अलग। कुछ लोग ये कंफ्यूजन में किसको सम माने किसी को विषम, जिसको भी शुरू में तुम सम मानोगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा अपने आप विषम, अगर शुरू वाले को विषम तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सम। तो सम स्थान वाले नंबर को अलग ऐड करेंगे और विषम स्थान वाले नंबर को अलग ऐड करेंगे, दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे मतलब घटाएंगे, घटाने पर भी जीरो आ जाए या ग्यारह का गुणा जा जाए तो हम कहेंगे कि ग्यारह से विभाजित हो रहा है वरना नहीं हो रहा है, क्लियर। तो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एक ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो जैसे कह दिया कि सेवन है फाइव है फोर है, ठीक है, और स्टार लगा दिया ऐसे बोल दिया। अब कह दिया स्टार की जगह वो कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए ताकि ये तीन से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखो एक रख देंगे, मान लो एक रख देंगे तो बताओ सात पांच बारह ही तो डिवाइड हो रहा है, हमें केवल यही चिकन तो इसको न्यूनतम क्या होना है छह, तो बताओ इसमें कितना रखेंगे दो, तो अगर स्टार की जगह दो रख दिए तो क्या हो जाएगा चार तीन से विभाजित हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। इसी तरह जो है आपको दे देगा कि जैसे थ्री स्टार थ्री और दे दिया कि इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए ताकि सेवन से विभाजित हो जाए, तो ये सारी चीजें मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि जरूरत समझिएगा कि हमको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम खुद जो है आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देंगे। थैंक यू।